हेलो। सो आपके अपने चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं एक माफी मांगना चाहूंगा कि एक हफ्ता अपनी क्लास नहीं लगी, और दूसरा कि मैंने आज ऊपर से ये ले रखा है, थोड़ा सा मेरी हेड इंजरी हुई है इसलिए। सो आगे हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, हम कर रहे थे ब्लड रिलेशन, ठीक है। ब्लड रिलेशन के अपने दो लेक्चर हो चुके हैं, आज ये थर्ड लेक्चर होगा। मैंने आपको बताया था ब्लड रिलेशन में कि जो पॉइंटिंग फॉर्म होती है वो टू टाइप्स की होती है। जो पॉइंटिंग फॉर्म होती है वो टू टाइप्स की होती है, एक होती है डायरेक्ट पॉइंटिंग, एक होती है इनडायरेक्ट पॉइंटिंग। अगर किसी को याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैं आपको इतना बता चुका हूं कि पॉइंटिंग अपने को पास दो प्रकार की होती है, एक होती है डायरेक्ट पॉइंटिंग, एक होती है इनडायरेक्ट पॉइंटिंग। डायरेक्ट में हम किसकी बात करते थे, ही शी की, लेकिन इनडायरेक्ट में हम करेंगे हर फादर मतलब उसका पिता, हर मदर मतलब उसकी माता, हिज ब्रदर मतलब उसका भाई, या कुछ भी ऐसी बातें हम करेंगे। ये किसमें करेंगे, हम पॉइंटिंग वाली क्वेश्चन में, ठीक है। पॉइंटिंग में, इनडायरेक्ट पॉइंटिंग में हम ये सब बातें करेंगे, ठीक है। तो आज हम इसी के साथ स्टार्ट करेंगे। जिसने पहले के लेक्चर नहीं देखे उसको मैंने बहुत अच्छे से टाइम दिया था, वो देख सकता है। आज या कल में आपके पास इसकी असाइनमेंट पहुंच जाएगी जो आपने करनी है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, थोड़ा सा रिकैप में करवा देता हूं कि प्लस का मतलब होता है मेल, माइनस का मतलब होता है फीमेल, और अगर मैं ये वाला रिश्ता बनाऊं तो इसका मतलब होता है जनरेशन गैप, ठीक है। करवा चुका हूं मैं ये, सिर्फ सिर्फ एक क्या है, रिवाइज है। और इसका मतलब होता है सेम जनरेशन, इसका मतलब होता है सेम जनरेशन। अब अगर मैं क्वेश्चंस पर आऊं, बेसिक आपके क्लियर होंगे मैं अभी तक ये मान के चलता हूं। क्वेश्चन पर अगर मैं आऊं कि मोहन पॉइंट्स मीना सेट, क्वेश्चन में इसने कहा मोहन पॉइंट्स मीना एंड सेट, इसका मतलब क्या हा क्या है कि मोहन ने मीना की तरफ इशारा किया और कहा कि मोहन ने मीना की तरफ इशारा किया और कहा, क्या कहा कि हर मदर इज माई मेटरनल ग्रैंड मदर। अगर हिंदी में कहूं तो उसने क्या कहा कि इसकी माँ मेरी नानी है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, हाउ मोहन रिलेटेड टू मीना, के मोहन मीना का क्या लगा, मोहन मीना का क्या लगा। अपने पास क्वेश्चन क्या आएगा कि मोहन मीना का क्या लगा, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो आपके पास क्या आएगा अगर मैं आपसे कहूं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि मोहन ने मीना की तरफ इशारा करके कहा, तो किसने कहा, मोहन ने कहा, किसकी तरफ इशारा करके, मीना की तरफ इशारा करके। और यहां पर इनडायरेक्ट आपको कैसे पता चलेगी, इनडायरेक्ट आपको पता चलेगी हर मदर। अब यहां पर ही या शी नहीं लिखा हुआ, उसने क्या लिखा है, हर मदर इसकी माता। तो आप क्वेश्चन को दो हिस्सों में तोड़ोगे, एक इससे पहले का भाग और एक इससे दूसरा भाग, ठीक है। जैसे यहां पर ऐसे दो हिस्सों में तोड़ोगे, अलग अलग सॉल्व करोगे। देखो, हर मदर का मतलब क्या हुआ कि हर का मतलब जिसकी तरफ इशारा, उसकी माँ, ये हर है। मतलब किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं मैं, इसकी तरफ इशारा कर रहा हूं कि इसकी माँ। जब मैं इशारा कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, इसकी माँ। तो इशारा मैं किसकी तरफ कर रहा था, मीना की तरफ। तो इसका मतलब मैं किसको कह रहा हूं कि मीना की माँ। क्वेश्चन आपने ऐसे ही करना है, कैसे कि हर मदर इसकी माँ मतलब मीना की माँ, जिसके बारे में बताएंगे उसके पास हमने डबल टिक लगा देनी है कि इसकी माँ। अगला, इसकी माँ कौन है, मेरी नानी। इसकी माँ कौन है, मेरी नानी। तो इसके वाला अगला करेंगे मेरी नानी। अब ये कौन हूं मैं, क्यों, क्योंकि कह कौन रहा है, मोहन, और मोहन क्या है, एक लड़का। तो ये मैं हूं मतलब मोहन, के मेरी क्या है, नानी है। इसकी माँ मेरी मटरनल ग्रैंड मदर मतलब माता की तरफ से नानी है। तो मैं मेरी माँ की
अब मेरी बात ध्यान से समझो कि यहां पर क्या हुआ कि मैं था जो कह रहा हूं, ये मैं हूं जो कह रहा हूं कि मेरी माँ की माँ मतलब मेरी नानी कौन है, इसकी माँ है, मेरी नानी इसकी माँ है। क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि इसकी माँ मेरी नानी है, तो इसकी माँ मेरी नानी है। अब चाहे इन दोनों को उठा के यहां ले आओ, हमारा मेन कंसेप्ट क्या है, इन डबल टिक को एक करना, क्योंकि इसकी माँ और मेरी नानी एक ही है, इसका मतलब एक ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी माँ और मेरी नानी एक ही है, तो अगर मैं इसको उठाकर यहां लाऊंगा, इसको उठाकर अगर मैं यहां लाऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो ये आ गई, और ये भी आ सकती है या इसकी बहन भी आ सकती है। क्यों क्यों क्यों, देखो, क्योंकि उसने कहीं भी नहीं कहा कि मेरी नानी को एक लड़की है, उसने कहीं भी नहीं कहा कि मेरी नानी को एक लड़की है। तो अगर मैं इसमें देखूं, अगर जब ये बन गया, तो मैंने क्या कहा था, मेरी नानी और इसकी माँ एक ही है ना, तो ये क्या लगी मेरी मौसी, ये क्या लगी मेरी मासी लगी ना। अगर मैं कहूं कि मेरी नानी और इसकी माँ एक ही है, इसकी माँ और मेरी नानी एक ही है, तो ये जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, ठीक है ना, इसकी तरफ मैं क्या कर रहा हूं, इशारा, क्योंकि इसकी तरफ मैं, मीना ये भी हो सकती है ना, क्योंकि इसकी माँ और मेरी नानी एक ही है, तो मीना ये भी हो सकती है, तो मीना ये भी हो सकती है, और मेरी नानी और इसकी माँ एक ही है, तो मीना ये भी हो सकती है। अगर तो मीना ये हुई, तो ये मेरी क्या हुई, मैं मोहन हूं, तो ये मेरी क्या हुई, माँ हुई, और अगर ये मीना हुई, तो ये मेरी क्या लगी, मौसी लगी, तो मैं इसका क्या लगा, भतीजा लगा। अब क्वेश्चन में क्या था, हाउ मोहन रिलेटेड टू मीना, मतलब मीना मोहन को क्या कह के बुलाएगी, अगर तो मीना ये हुई, तो ये क्या कह के बुलाएगी, मेरा सन, और अगर मीना ये हुई, तो ये क्या कह के बुलाएगी, इसकी मासी लगी, तो इसकी मासी का क्या लगा, ये भतीजा लगा, तो नीज कह के बुलाएगी, भतीजा भतीजा या बेटा लगेगा। अगर वो यहां पर कह देती कि मेरी नानी के एक ही लड़की है, तो इसका मतलब सिर्फ ये क्या आता, सन आता, नीज नहीं आता। ठीक है, एक क्वेश्चन था, अभी मैं एक आधा क्वेश्चन इसका और करवाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आज ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से खत्म हो जाएगा, बिल्कुल भी किसी ने घबराना नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर था, आज इसका हम भोग पा देंगे, भोग पाने का मतलब होता है कि हम इसको समापन कर देंगे। क्वेश्चन में अगर कहूं कि पॉइंटिंग टू मीना, मीना अच्छी लड़की है, राकेश सेड, मतलब क्या है, मीना की तरफ इशारा करके राकेश बोला, मीना की तरफ इशारा करके राकेश बोला, क्या बोला कि हर ओनली डॉटर, अब यहां पर ओनली लिखा है, ठीक है, अब यहां पर लिखा है कि हर ओनली डॉटर इज अ मदर ऑफ ब्रदर ऑफ माई डॉटर। क्वेश्चन में क्या कहा है कि पॉइंटिंग टू मीना राकेश सेड, मीना की तरफ इशारा करके राकेश बोला, क्या बोला कि इसकी इकलौती बेटी मेरी बेटी के भाई माँ है। क्या कहा उसने कि इसकी इकलौती बेटी, यहां तक क्वेश्चन उठ गया, मेरी बेटी के भाई की माँ है, तो हाउ मीना रिलेटेड टू राकेश, मतलब राकेश मीना को क्या कह के बुलाएगा, राकेश मीना को क्या कह के बुलाएगा। एक बार थोड़ा सा ध्यान दो और करने की कोशिश करो, सिर्फ कोशिश करनी है, करना किसी ने नहीं है, हम भी तो देखें कितना आया है आप लोगों को। तो अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं क्वेश्चन सबसे पहले क्या करेंगे, ऋषिकेश शेट्टी क्या कह रहा है कि हर ओनली डॉटर, तो मैं क्या बनाऊंगा, सबसे पहले इसकी अकेली पुत्री,
इसकी मतलब किसी में फीमेल की तरफ इशारा कर रहा हूं ना, मीना की, तो ये कौन है? मीना, जिसकी तरफ मैं क्या कर रहा हूं इशारा, कि इसकी इकलौती पुत्री, सिर्फ इसकी यही पुत्री है, इसकी इकलौती पुत्री, इसकी इकलौती पुत्री, इसकी इकलौती बेटी। बस यहां तक मैंने क्वेश्चन खत्म कर दिया, यहां तक मैंने बना दिया कि इसकी इकलौती पुत्री कौन है, मेरे मेरी बेटी के भाई की माँ, मदर ऑफ ब्रदर ऑफ माई डॉटर, मैंने कहा था मेरी बेटी के भाई की माँ। तो यहां पर कौन बनेगा? मैं कौन हूं? राकेश, क्योंकि राकेश कह रहा है ना, तो मैं कौन हूं? राकेश। मेरी बेटी के भाई, मेरी बेटी के भाई की माँ, मेरी बेटी के भाई की माँ है, ठीक है ना। तो अगर ये मेरे बेटी के भाई की माँ, मेरी बेटी के भाई की माँ हुई, तो मेरी क्या हुई? धर्मपत्नी थी, ऑब्वियस सी बात है। और ये कह कौन रहा हूं मैं? ये कौन कह रहा हूं मैं? किसको देख के कह रहा था मैं? मीना को देख के। अब मेरे को ये बताओ, अगर ये इसको मैं यहां पर लेके जाना चाहूं, इसको मैं यहां पर लेके जाना चाहूं, तो ये तो यहां आ जाएगा, और ये ऊपर को है तो ये ऊपर को आ जाएगा, और ऊपर को माइनस है तो ये ऊपर को माइनस आ जाएगा। मतलब ये कहाँ आ गई? यहां, और ये कहाँ आ गई? यहाँ। अब इकलौती पुत्री है, मतलब इसकी और कोई पुत्री नहीं है, इसकी सिर्फ यही पुत्री है। तो मैं कह रहा था किसकी तरफ इशारा करके? इसकी तरफ, मतलब इसकी तरफ इशारा करके मैं कह रहा था। कौन कह रहा था? मैं। तो ये मेरी क्या लगी? सास लगी। ये मेरी क्या लगी? सासू माँ लगी। तो क्वेश्चन क्या था? हाउ मीना रिलेटेड टू राकेश। तो मीना कौन हुई? ये हुई ना मीना, जिसको हम यहां पर लेके गए, ये मीना हुई, ये राकेश हुआ। तो राकेश मीना को क्या कह के बुलाएगा? तो राकेश मीना को अपनी सास कह के बुलाएगा, मदर इन लॉ कह के बुलाएगा, मदर इन लॉ कह के बुलाएगा। कौन? राकेश मीना को क्या कहेगा? ओ मेरी सासू माँ, आ जा मेरी सासू माँ। तो ये कौन कहेगा? राकेश कहेगा। किसको कहेगा? मीना को कहेगा, ठीक है। राकेश मीना को क्या कहेगा? अपनी सास कहेगा। सास में मेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। बहुत अच्छा गाना है शाहरुख खान का, सुन लेना आप भी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सो क्वेश्चन है अपने को, के पॉइंटिंग टू अ मैन वुमेन, अ मैन सेड, पॉइंटिंग टू अ वुमेन, अ मैन सेड, एक औरत वाला इशारा करके एक आदमी कहता है, एक औरत की तरफ इशारा करके एक आदमी कहता है, हर हस्बैंड्स मदर, हर हस्बैंड्स मदर द वाइफ ऑफ माई फादर्स ओनली सन, सो हाउ द मैन रिलेटेड टू वुमेन। तो क्वेश्चन क्या है? एक औरत की तरफ एक आदमी इशारा करके क्या कहता है कि हर हस्बैंड के इसका पति की माँ, इसके हर हस्बैंड्स मदर के इसके पति की माँ, यहां पर खत्म हो गया। इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स ओनली सन, कौन है? इसके पति की माँ, मेरे पिता के इकलौते बेटे, मेरे पिता के इकलौते बेटे की पत्नी है, बेटे मौज कर दी की पत्नी है। तो हाउ वुमेन रिलेटेड, मैन रिलेटेड टू वुमेन, मतलब वुमेन मैन को क्या बुलाएगी? तो इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, मैं करवाता हूं आपको। सबसे पहले क्या कहा? औरत की तरफ इशारा करके एक आदमी कह रहा है, क्या कह रहा है कि हर हस्बैंड्स मदर, तो ये जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा है, ठीक है, इसकी तरफ वो क्या कर रहा है? इशारा कर रहा है। तो इसकी तरफ वो क्या कर रहा है? इशारा कर रहा है। सबसे पहले आपने ये देखना कि इसकी तरफ वो क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है। वैसे लड़कियों की तरफ इशारा करना अच्छी बात नहीं होती, अगर आप मेरे से पूछें तो, किसी और से पूछे तो शायद हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर क्या था? सबसे पहले इसका किसकी तरफ इशारा कर रहा है कि हर हस्बैंड्स मदर, इसके पति की माँ, इसके पति की
माँ, और इसके बारे में वो बात कर रहा है, इसकी तरफ इशारा कर रहा है, इसके बारे में वो बात कर रहा है, इसके पति की माँ कौन है? मेरे पिता। तो मैं कौन हुआ? ये मैं हुआ जो कह रहा हूं, मेरे पिता के इकलौते बेटे। तो मेरे पिता का इकलौता बेटा मैं हुआ, बेटे की पत्नी है, बेटे की पत्नी है। अब क्वेश्चन की गहराइयां समझो, क्वेश्चन की गहराइयां समझो। कैप गुम हो गया है। ओके, सो कैप कहां गया होगा, चलो बाद में देखें कैप कहां गया। तो उसने क्या कहा के इसकी तरफ इशारा किया और कहा कि इसके पति की मां, इसके पति की मां मेरे बाप के इकलौते बेटे की पत्नी है, मेरे पिता के इकलौते बेटे की पत्नी है। इसका मतलब ये दोनों क्या हुए? सेम हुए। अब मैं इसको लाकर यहां पर रख सकता हूं, जब ये यहां पर आएगा तो ये कहां आएगा? यहां पर आएगा इसके साथ, और ये कहां आएगी? इसके साथ यहां पर आएगी। और इसकी तरफ मैं क्या कर रहा हूं? इशारा कर रहा हूं। कौन कर रहा है इशारा? ये कर रहा है। किसकी तरफ कर रहा है? इसकी तरफ। तो क्वेश्चन क्या था? हाउ द मैन रिलेटेड टू वुमेन, मतलब वुमेन मैन को क्या बुलाएगी? तो वुमेन मैन को क्या बुलाएगी? इसके पति का बाप है ये, इसके पति की माँ का पति है, तो इसका मतलब इसके पति का बाप है, तो अपने पति के बाप को वो क्या कह के बुलाएगी? अपना ससुर कह के बुलाएगी, अपना फादर इन लॉ कह के बुलाएगी। तो क्या कह के बुलाएगी? वो ससुर जी कह के बुलाएगी, ठीक है? अपने पति के बाप को वो क्या कह के बुलाएगी? ससुर जी कह के बुलाएगी। बस हमने ये चीज सेम करनी है, डबल टिक वाला हमने क्या करना है? सेम करना है, ठीक है? इसके बाद अब हम पहुंचते हैं आखिर में, जिसको हम बोलते हैं कोडेड रिलेशनशिप। इसके क्वेश्चंस आपको आज मिल जाएंगे, आपने सभी ने करने हैं, ठीक है? अब आपकी क्लास रेगुलर रहा करेगी, जितने भी लेक्चर से रह गए वो सब आपने देख लिए होंगे अब तक के, जिसने नहीं भी देखे थे, और आज हम आगे भी कर लेते हैं। तो ब्लड रिलेशन आज क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। तो अब हम अगर क्वेश्चन में आपको बताऊं तो अब आता है कोडेड रिलेशनशिप। ध्यान से समझा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको कुछ कंडीशन दे देगा, जैसे कि P प्लस क्यू का मतलब P इज फादर ऑफ क्यू, P माइनस क्यू का मतलब P इज मदर ऑफ क्यू, P मल्टीप्लाई क्यू का मतलब क्या है? P इज ब्रदर ऑफ क्यू, P डिवाइडेड बाय क्यू का मतलब क्या है? P इज सिस्टर ऑफ क्यू, P स्टार क्यू का मतलब क्या है? P इज सन ऑफ क्यू, और P हैशटैग क्यू का मतलब क्या है? P इज डॉटर ऑफ क्यों। तो ये क्या है वो बता देगा, ये आपको दिया होगा वहां पर हर क्वेश्चन के साथ। जब आप क्वेश्चन करने जाओ तो ये सबसे पहले आजकल जो अच्छी क्वेश्चंस हैं वो ये सेट होते हैं। उसके बाद वो कहेगा, पहला आपको एक्सप्रेशन दे देगा a प्लस बी इंटू सी डिवाइडेड बाय d स्टार e, उसके बाद हैश f। तो वो पूछेगा हाउ a रिलेटेड टू F। मैं नहीं चाहता कि इतने में भी आपको हिंदी की जरूरत पड़े, कि हिंदी में बताओ सर। बहुत ही साफ साफ शब्दों में इसने इंग्लिश में बता दिया कि P प्लस Q का मतलब क्या है? P Q का पिता है। P माइनस Q का मतलब क्या है? P Q की माँ है। P इंटू Q का मतलब क्या है? P Q का ब्रदर है। उसके बाद P Q की सिस्टर है, P Q का सन है, और P Q की डॉटर है। अब उसने इसमें देखना है हमने क्या करना है। सबसे पहले क्या है? प्लस का मतलब क्या होता है? P इज फादर ऑफ क्यू। तो इस यहाँ पर P क्यू नहीं लिखना, यहाँ पर A भी लिखना है। तो A इज फादर ऑफ B। तो पहली लाइन का मतलब यही है। प्लस का मतलब क्या हुआ कि पहला जो है, जो पहला है, देखो पहला है ये, दूसरा है। पहला किसका पिता है? क्यू का पिता है। तो मतलब A किसका पिता हुआ? B का। उसके बाद क्या है? इंटू। इंटू का मतलब P इज ब्रदर ऑफ क्यू, मतलब B इज ब्रदर ऑफ C। इंटू का मतलब यही है, तो B इज ब्रदर ऑफ C। कुछ नहीं करना, बिल्कुल इजी होता है, बिल्कुल इजी होता है। C डिवाइडेड बाय D, तो C डिवाइडेड बाय D का मतलब क्या है? P इज सिस्टर ऑफ क्यू, मतलब C इज सिस्टर ऑफ D। C इज सिस्टर ऑफ D, C किसकी बहन है? D की। और स्टार का मतलब क्या है? P इज सन ऑफ क्यू, मतलब स्टार का मतलब क्या है? D इज सन ऑफ E। D किसका सन है? E का सन है। D किसका सन है? E का सन है। और आगे क्या कहा है उसने? हैश। हैश का मतलब क्या है?
पी इज डॉटर ऑफ क्या हुआ, तो मतलब ई इज डॉटर ऑफ एफ, ई इज डॉटर ऑफ एफ, ई किसकी बेटी है, एफ की बेटी है। तो अगर ये भाई बहन है तो ऑब्वियसली बात है ये दोनों क्या हुए, एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ हुए। अगर ये भाई बहन है तो ये दोनों क्या होंगे, हस्बैंड वाइफ। तो उसने पूछा था हाउ ए रिलेटेड टू एफ, मतलब एफ ए को क्या कह के बुलाएगा। तो एफ ने, एफ चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो अपने को नहीं पता, एफ ने अपनी प्यारी बच्ची किसको दे दी, ए को दे दी शादी करके। तो एफ ए को इस टाइम क्या बुलाएगा, अपना जमाई राजा बुलाएगा, अपना सन इन लॉ बुलाएगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन आएंगे, आपको ये दिया होगा, ये दिया होगा और ये आपने बनाना होगा। मैं नहीं समझता कि इसमें कुछ भी मुश्किल था, इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल था, मैं ये बिल्कुल भी नहीं समझता। एक क्वेश्चन ऐसा ही और करो, एक क्वेश्चन ऐसा ही और करो, ये सेम है, ये बिल्कुल सेम है। तो क्वेश्चन है ए स्टार बी डिवाइड बाय सी हैश डी प्लस ई स्टार एफ। तो इसका क्या आएगा, इसमें भी वही है कि हाउ ए रिलेटेड टू एफ। किसी ने पुराना आंसर नहीं देना, इसमें क्या है जो साइंस है वो बदल चुके हैं। एक मिनट का टाइम लो और करो, एक मिनट का टाइम लो और करो। तो देखो क्या आएगा, सबसे पहले स्टार का मतलब क्या होता है, स्टार का मतलब यहां से देखना है, पी इज सन ऑफ क्या हो, तो ए इज सन ऑफ बी, ए इज सन ऑफ बी, ए इज सन ऑफ बी। डिवाइड का मतलब क्या होता है, पी इज सिस्टर ऑफ क्या हो, मतलब बी इज सिस्टर ऑफ सी, तो बी इज सिस्टर ऑफ सी, कुछ नहीं करना। हैश का मतलब क्या होता है, हैश का मतलब होता है पी इज डॉटर ऑफ क्या हो, मतलब सी इज डॉटर ऑफ डी, सी इज डॉटर ऑफ डी। बेसिक हम सब क्लियर कर चुके हैं, ठीक है, क्या इसका मतलब होता है क्या नहीं होता है। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब होता है पी इज फादर ऑफ क्यू, मतलब डी इज फादर ऑफ ई, डी किसका पिता है, ई का पिता है, डी इज फादर ऑफ ई। अब स्टार का मतलब क्या हुआ, पी इज सन ऑफ क्यू, मतलब ई इज सन ऑफ एफ, ई इज सन ऑफ एफ। तो ऑब्वियसली बात है अगर ये एफ है, ये इसका भी बेटा, इसका भी बेटा, तो ये आपस में क्या हुआ, हस्बैंड वाइफ, और ये अगर हस्बैंड हो ये क्या हुआ वाइफ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों क्या हुए, बहन भाई हो गए। तो ये आपको पता लगना चाहिए, ये मैं लास्ट लेक्चर में करा चुका हूं। तो हाउ ए रिलेटेड टू एफ, मतलब एफ ए को क्या कह के बुलाएगा, एफ ए को क्या कह के बुलाएगा। देखो एफ के ये तीनों बच्चे हुए, तो एफ की ये बेटी हुई, बेटी के बेटे को वो क्या कहेगा, ग्रैंड सन। तो एफ ए को क्या कह के बुलाएगा, ग्रैंड सन। अगर क्वेश्चन में ये होता कि हाउ एफ रिलेटेड टू ए, मतलब क्या है, ए एफ को क्या कह के बुलाता, तो ए एफ को अपनी मैटरनल ग्रैंड मदर कह के बुलाता। क्या कहता वो, मैटरनल ग्रैंड मदर, मतलब नानी कह के बुलाता, ठीक है। तो वो क्या कह के बुलाता, उसको नानी कह के बुलाता। इसी में अगर मैं एक लास्ट क्वेश्चन इस पे करूं और इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद अपना चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन है के ए स्टार बी माइनस सी स्टार डी प्लस ई डिवाइड बाय एफ, सॉरी क्वेश्चन दो मिक्स हो गए। तो क्वेश्चन क्या है, ए स्टार बी इंटू सी हैश डी माइनस ई स्टार एफ। तो क्वेश्चन फिर से वही है कि हाउ ए रिलेटेड टू F, मतलब F A को क्या कह के बुलाएगा, मतलब F A को क्या कह के बुलाएगा। क्वेश्चन अपने पास फिर से यही है, करो कम से कम ट्राई तो करो। वेखी गर्दी वेखी गर्दी जे तू यार नहीं बनाउणा सोहणिए।
सॉल्व कैसे होगा ये? ए प्लस स्टार बी, स्टार का मतलब क्या होता है? पी इज सन ऑफ क्यू, मतलब ए इज सन ऑफ बी, ए सन ऑफ बी। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, मतलब बी इज ब्रदर ऑफ बी इज ब्रदर ऑफ सी। हैश का मतलब क्या होता है? पी इज डॉटर ऑफ क्यू, मतलब क्या है? सी इज डॉटर ऑफ डी, सी इज डॉटर ऑफ डी। माइनस का मतलब क्या होता है? पी इज मदर ऑफ क्यू, मतलब डी इज मदर ऑफ ई, डी इज मदर ऑफ ई। स्टार का मतलब क्या होता है? स्टार का मतलब पी इज सन ऑफ क्यू, मतलब ई इज सन ऑफ एफ। तो ये दोनों क्या हुए यहां पर? क्या था यहां पर? मैं निकाल लिखने बोले सी और डी में, तो सी डी और ई का क्या था? डी और ई माइनस, तो माइनस का मतलब क्या होता है? पी इज मदर ऑफ क्यू, तो डी इज मदर ऑफ क्यू, तो डी इज मदर ऑफ ई। और इस ये क्या है? एफ क्या है? इसका पिता है, तो इसका पिता हुआ ये कौन हुए? दोनों हस्बैंड वाइफ। और ये क्या हुए? बहन भाई। तो ये क्या हुई? ये क्या हुए इस बार? हस्बैंड हुए। तो इसका मतलब हाउ एफ रिलेटेड टू ए, तो एफ ए का क्या लगा? तो एफ ए का क्या लगा, मतलब एफ ए को क्या कह के बुलाएगा? तो एफ हाउ ए रिलेटेड टू एफ, मतलब एफ ए को क्या कहेगा? तो एफ ए को क्या कहेगा? मेरे बेटे का बेटा, मेरे बेटे का बेटा। तो ये क्या होगा? ग्रैंड सन। अगर मैं ये कहूं कि ए एफ को क्या बुलाएगा, यहां पर मैं लिख दूं एफ और यहां पर लिखूं ए, तो ए एफ को क्या बुलाएगा? तो ए एफ को ग्रैंड फादर बुलाएगा। तो ए एफ को क्या बुलाएगा? ग्रैंड फादर। एफ ए को क्या बुलाएगा? ग्रैंड सन बुलाएगा। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का, और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? ये वाला चैप्टर ब्लड रिलेशन का क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करो। अब क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है कि ए प्लस बी का मतलब क्या है? बी इज फादर ऑफ ए। अब ये ए बी उलट गई, यहां पर बी और ए हो गया, तो इसको ध्यान में रखना है। ए माइनस बी का मतलब क्या है? बी इज मदर ऑफ ए। ठीक है, ए इंटू बी का मतलब क्या है? बी इज सिस्टर ऑफ ए। ए डिवाइडेड बाय बी का मतलब क्या है? बी इज सन ऑफ ए, सॉरी बी इज सिस्टर ऑफ ए। ए मल्टीप्लाई का मतलब सिस्टर, सॉरी क्वेश्चन गलत हो गया। ए प्लस बी का मतलब फादर मदर, इसके बाद ब्रदर, इसके बाद सिस्टर ऑफ ए, उसके बाद ए स्टार बी का मतलब क्या है? बी इज सन ऑफ ए, उसके बाद ए हैश बी का मतलब क्या है? बी इज डॉटर ऑफ। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो पता करो U माइनस टी हैश एस प्लस आर स्टार क्यू हैश पी, तो हाउ पी रिलेटेड टू यू, पी यू का क्या लगा, मतलब यू पी को क्या कह के बुलाएगा? करो क्वेश्चन करो। जी करके बताइए कैसे होगा ये। देखो सबसे पहले हमने क्या देखना है? माइनस का। सबसे पहले हमने क्या देखना है? माइनस का मतलब क्या होता है कि B इज मदर ऑफ A। अब U इज मदर ऑफ T नहीं है, T इज मदर ऑफ U। T किसकी माँ है? U की माँ है, क्योंकि ये उल्टा होगा। देखो जो सेकंड वाला है वो पहले आएगा, जो पहले वाला है वो लास्ट में जाएगा। तो T इज मदर ऑफ U, यहां पर ऐसा ही ना, B इज मदर ऑफ A माइनस का मतलब, तो T इज मदर ऑफ U। हैश का मतलब क्या होता है? हैश का मतलब B इज डॉटर ऑफ A, मतलब S इज डॉटर ऑफ T। अब ये बस ऐसे पढ़ेंगे हम, S इज डॉटर ऑफ T, तो S किसकी लड़की है? T की लड़की है। उसके बाद प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है? B इज फादर ऑफ A, मतलब R इज फादर ऑफ S, R इज फादर ऑफ S। R किसका पिता है? S का पिता है। तो अगर ये पिता है तो ये दोनों आपस में क्या हुए? पति पत्नी हुए, हस्बैंड वाइफ हुए, लड़ते झगड़ते हुए, ठीक है। और ये दोनों क्या हुए? आपस में भाई बहन हुए। ये दोनों क्या हुए? आपस में भाई बहन या बहने बहने हो गए, अब ये पता नहीं हमको क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या है? स्टार का मतलब, स्टार का मतलब क्या होता है? बी इज सन ऑफ ए, मतलब क्या इज सन ऑफ आर, तो क्या किसका बेटा है? आर का बेटा है, तो ये भी इनका कोई भाई लगा इन दोनों का, ठीक है। उसके बाद हैश का मतलब क्या होता है? हैश का मतलब होता है बी इज डॉटर ऑफ ए, मतलब पी इज डॉटर ऑफ क्यू, तो पी किसकी लड़की है? क्यू की लड़की
है। क्वेश्चन क्या था, हाउ पी रिलेटेड टू यू, मतलब यू पी को क्या कह के बुलाएगा। अब देखो यू पी को क्या कह के बुलाएगा, यू के, चाहे ये प्लस हो चाहे माइनस, ये आपको नहीं पता। यू के भाई की लड़की, इसके भाई की लड़की, अब अगर ये तो लड़की हुई फिर भी इसके भाई की लड़की लड़का हुआ तो भी इसके भाई की लड़की, तो भाई की लड़की को वो क्या कहेगा, नीज कहेगा। मतलब अगर तो ये इसकी बुआ हुई तो भी ये भतीजी कहेगी, अगर ये इसका चाचा या ताया हुआ फिर भी ये क्या कहेगा, भतीजा ही कहेगा, भतीजी सॉरी नीज, भतीजी कहेगा। तो इसकी ये क्या लगी, भतीजी। तो यूपी को क्या कह के बुलाएगा, यूपी को भतीजी कह के बुलाएगा। अगर यहां पर क्वेश्चन ये होता हाउ यू रिलेटेड टू पी, मतलब पी यू को क्या कहेगी, तो इसका जेंडर क्लियर नहीं है, तो पी यू को या तो अंकल कहेगी या आंट कहेगी, हिंदी में कहूं तो या तो चाचा कहेगी या ताऊ कहेगी या फिर वो बुआ कहेगी या फिर वो क्या कहेगी, बुआ कहेगी। इन तीनों में से वो कुछ भी कह सकती है, ठीक है। इस टाइप में, इसमें एक और क्वेश्चन करता हूं मैं, मतलब इसी में से इसी में से अगर मैं एक और क्वेश्चन दूं तो वो कैसे करोगे आप। क्वेश्चन है आपके पास यू हैश टी इंटू एस डिवाइड बाय आर क्यू इंटू पी, तो ये क्वेश्चन करो। क्वेश्चन क्या है, हाउ यू रिलेटेड टू पी, हाउ यू रिलेटेड टू पी, मतलब पी यू को क्या कह के बुलाएगा, मतलब पी यू को क्या कह के बुलाएगा, पी यू को क्या कह के बुलाएगा, करो। तो अब क्या आएगा, देखो हैश का मतलब क्या होता है, हैश का मतलब क्या हुआ, बी इज डॉटर ऑफ ए, मतलब टी इज डॉटर ऑफ यू, टू टी किसकी बेटी हुई, यू की, यू टी की बेटी नहीं है, टी यू की बेटी है, क्योंकि ये उल्टा कर रखा है, बी पहले है ए बाद में है। उसके बाद इंटू का मतलब क्या होता है, इंटू का मतलब होता है बी इज ब्रदर ऑफ ए, मतलब एस इज ब्रदर ऑफ टी, एस इज ब्रदर ऑफ टी, ठीक है, एस इज ब्रदर ऑफ टी। इसके बाद डिवाइड है, डिवाइड का मतलब क्या है, बी सिस्टर ऑफ ए, मतलब आर इज सिस्टर ऑफ एस, आर इज सिस्टर ऑफ एस, आर किसकी बहन है, एस की बहन है। उसके बाद हैश का मतलब क्या है, बी इज डॉटर ऑफ ए, मतलब क्यू इज डॉटर ऑफ आर, जो आर है, क्यू इज डॉटर ऑफ आर, क्यू क्या है, आर की लड़की है, क्यू इज डॉटर ऑफ आर। इंटू का मतलब क्या है, बी इज ब्रदर ऑफ ए, मतलब पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, तो पी किसका भाई है, पी क्यू का भाई है। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ यू रिलेटेड टू पी, मतलब पी यू को क्या कह के बुलाएगा। अब देखो ध्यान से, इसके ये दोनों भाई बहन, तो ये इसकी माँ हुई और ये इसकी माँ हुई, तो ये इसके क्या हुए, ये इसका मामा हुआ, ये इसकी मौसी हुई, तो इसकी मौसी का या तो ये बाप होगा या ये क्या होगी, माँ होगी, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर जेंडर क्लियर नहीं है, जेंडर क्लियर नहीं है, तो या तो इसकी माँ होगी या इसका बाप होगा। तो मौसी के बाप को हम क्या कहते हैं, नाना, और मौसी की माँ को हम क्या कहते हैं, नानी। तो इसका आंसर क्या आएगा, या तो नाना या नानी, और अगर मैं हिंदी में लिखूं तो इसका मतलब क्या हुआ, मैटरनल ग्रैंड मदर और मैटरनल ग्रैंड फादर, तो या तो नाना होगा या नानी होगी, क्योंकि हम पता नहीं कर सकते। तो हाउ यू रिलेटेड टू पी, तो यू पी का या तो नाना लगा या नानी लगी, क्योंकि हमको यू का जेंडर कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये होता हाउ पी रिलेटेड टू यू, तो अपनी ये बेटी हुई ना इसकी, अपनी बेटी के बेटे को, अपनी बेटी के बेटे को वो ऑब्वियस ही बात है क्या कहेगा, सन, कौन सा, ग्रैंड सन। तो अपनी बेटी के बेटे को वो क्या कहेगा, ग्रैंड सन कहेगा। लेकिन वो अगर अगर ये नानी हुई इसकी तो भी ये पोता ही कहेगी, अगर नाना हुआ फिर भी ये पोता ही कहेगा। तो इसके जेंडर से इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस बात पर पड़ेगा कि ये इसको क्या बुलाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो हमने ब्लड रिलेशन का लास्ट जो थर्ड चैप्टर था वो, मतलब थर्ड लेक्चर था वो किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। कल मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ, इसकी असाइनमेंट आज आपको पहुंच जाएगी, आप सबने वो करनी है। थैंक यू वेरी मच।